गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा जो इस टॉपिक पर डिस्कस किए थे। आज उन्हीं टॉपिक्स पर एक क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम इन स्टैटिक्स इज गिवन द थ्री स्टूडेंट्स, तीन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ए बी सी तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, जिनके सॉल्व करने के चांसेस गिवन है आपको 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लास्ट क्लास में बताया गया था। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। बी की प्रोबेबिलिटी चांसेस दिया हुआ है 1/3, 1/2, 1/3 एंड पी ऑफ सी, सी जो है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ये तीन स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये जो है दो क्वेश्चन में से एक को सॉल्व करता है, तीन में से एक को, चार में से एक को सॉल्व करने की इसकी क्षमता है। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 - PA करते हैं तो लाइक 1/2 ही आएगा, हाफ 50% है ना। ये 1/3 करता है तो 2/3 नहीं करता है, ठीक है। पी एफ सी बार मतलब 1/4 इसका चांस है तो 3/4 चांस उसका नहीं होगा सॉल्व ना होने की प्रॉबिलिटी। तो अपन एक साथ सॉल्व ना होने की प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए बी सी की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व ना करने की, ये होगा 1 - P(a)-C), ठीक है। और यहाँ पर 1 अपने जगह रहेगा, माइनस यहाँ पर इसका मीनिंग ये तीनों इंडिविजुअल है यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या हो जाएगा, P(a)·P(b)·P(c), ठीक है। और सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है। बी बार की वैल्यू 2/3 है, इसकी वैल्यू 3/4 है, सब कट जाएगा, सिर्फ कौन बचेगा, 1 - 1/4, ओवरऑल क्या बचने वाला है, 3/4। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट हो गया, 3/4 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले जो जो गिवन है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो और इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, हैपनिंग होने की और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी। जैसे ही आप ये कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, किसी तीनों मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे तो ये सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्पीक्स ट्रूथ इन 75%, जब कोई स्पीक्स देता है बात करते हैं तो उसमें जो है 75% मामलों में ए जो है सही बोलता है, बी के जो केसेस हैं वो 80% केसेस में वो जो है सही बोलता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट, एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करेंगे तो उनका आपको परसेंटेज बताना है। ए जो 75% जो है क्या कर रहा है, ट्रूथ बोल रहा है, तो फेल मतलब यानी कि फेलर किस में हो रहा है, यानी कि असत्य यानी कि लाई झूठ कितने परसेंट मामलों में बोल रहा है, यानी ए का बार कैलकुलेट करोगे तो 25%, ठीक है। अच्छा पी ए बार हो गया, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू जो है 80% जो है करेक्ट बोलता है, तो इनकरेक्ट कितने में बोलेगा, यानी कि जो बोल रहा है इसका जो है 20% जो है वो जो है लाई यानी कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, अगर मान लो ए सही बोल रहा होगा तो बी गलत, या फिर अगर ए सही होगा तो बी गलत होगा, ठीक है, या ए सही होगा ए गलत होगा तो बी, एक दूसरे का खंडन बोलेंगे। मान लो एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को ये दो एक स्टेटमेंट है, ये दो लोग बैठे हैं, एक दूसरा खंडन कब बोलेंगे, जब ये बोलेगा नहीं ये ऐसा होता है, ये बोलेगा नहीं ये ऐसा होता है, एक दूसरे का खंडन करेगा, तो खंडन कब करे मतलब ये उसके पक्ष में होगा, ये उसके विपक्ष में होगा, ठीक है। जैसे वाद विवाद होता है, वाद विवाद के में क्या होता है, यही होता है, एक दूसरे का खंडन का मतलब, कंट्राडिक्शन का मतलब यही होता है कि अगर ये बोलेगा ये आम है तो ये बोलेगा नहीं आम नहीं है, ठीक है, ये जस्ट उसका अपोजिट बोलता है, यानी कि अगर ए ए जो है करेक्ट बोलेगा तो बी फिर इनकरेक्ट वाला बात बोलेगा, अगर ए इनकरेक्ट होगा तो बी इन बी करेक्ट वाले होंगे, ये बोला एक दूसरे का बस कंट्राडिक्शन करना चाहिए, कंट्राडिक्शन यही केस हो सकते हैं। अब इसका ये दोनों इंडिविजुअली हैं यानी कि ये अलग स्टेटमेंट ये अलग स्टेट है, तो इसको पी ए इंटू पी बी बार बोल सकते हो, प्लस पी ए बार इंटू पी बी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए का है 75% गुणा इसका कितना है 25%, ठीक है,
बी बार कितना है, 20% है ना, प्लस इसका कितना होगा बोलो भाई, 25% इंटू बी 80%। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, 75/100। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है 75/100 इंटू 20/100 प्लस 25% मतलब 20/100 इंटू 80% मतलब 80/100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक जीरो से इधर से एक जीरो कट कर दो, इधर से एक जीरो कट कर दो, उसके बाद दो से काटते हो, दो पंच छः दस, पांच से काटते हो 25, 25 × 75 होता है ना, तो 15 × 5 = 75, यानी इस 15 आएगा। यहाँ से भी काटो, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 5 से काटा 5 × 25, 15/100 प्लस 20/100, और ये जो है 15 और 20 जुड़ जाएगा, जुड़ के 35, 35/100 इसका मतलब 35%। तो कौन सा करेक्ट हो गया इसमें से, 35%। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये केस मतलब इसको बताना है कि क्या ये सही है, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, सी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बोल रहा है फॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी सी, कोई 3 ए बी सी इवेंट है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनता है, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये सही है या रॉन्ग, चले इसको बताइए। दो ही ऑप्शन है इसमें, ये ट्रू और फॉल्स वाला है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। आप क्या कैलकुलेट कर लो, पी ए यूनियन बी यूनियन सी कहते हो तो क्या मिलना चाहिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी प्लस सी सी, यही ना आप, क्योंकि इंटरसेक्शन तो बोलो जीरो होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया, जब जीरो हो गया तो देखो बेटा इनका इनका सम देख लो, वैसे तो वैसे भी दिख रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा, तो भाई इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या फाई नहीं आएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें रखे देखे तो 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है, सबका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 4 और 3 का 12, 12 आएगा, 3 × 12, 3 × 12 मीन्स यहाँ पर 4 × 4 = 8, 4 × 3 = ऊपर में 6 × 2 = तो कितना आएगा, 8 × 2 = 10 और 3 = 13, 13/12 आ गया, 13/12 मीन्स ग्रेटर देन 1 हो गया, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं होती है, ठीक है, सिंस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 जो है, ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन समझ में आया, जो आप लोग बता रहे हो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सबका जीरो आएगा, जब इंटरसेक्शन जीरो आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके बराबर होनी चाहिए, है ना, तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया, अब जीरो हो गया तो फिर चेक करके देख लेते हैं, तो चेक करके देखा तो पता चला कितना आया, 13/12, जो कि क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का भी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, हमेशा क्या होती है, लेस देन 1 होती है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ये जो है रॉन्ग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इवन और ई2 इंडिपेंडेंट्स दिए हुए, ए की प्रोबेबिलिटी, इवन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, यूनियन की दिया हुआ है, कंसीडर दो स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, बताना इनमें से दोनों में से कौन सा करेक्ट है, आए हुए गेट एग्जाम में क्वेश्चन है, सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई है, क्वेश्चन को देख के आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक एक लाइन का मतलब होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E1, E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो क्या होता है बोलो भाई, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट अलग होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अलग होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उनका इंटरसेक्शन जीरो होता है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो उस पर डिपेंड नहीं है, जब डिपेंड नहीं है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो गया ना भाई, कहाँ लगा रखे हो, क्या क्या गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब देखो अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी तो दे दी हुई है उसने 1/2 है, और आपको यूनियन दे दिया बेचारा, इतना अच्छे से मस्त प्यारा सा,
बोल रहा है भैया ई टू ई वन यूनियन ई टू जो है 2/3 है, ठीक है। क्योंकि ई वन एंड ई टू कैसे है, ई वन एंड ई टू जो है आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि जब आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो वो जो है कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाता है। बस यही चीज थी इसमें। तो एटलीस्ट आपको इवन मिल जाएगा। इवन इंटरसेक्शन ई टू का फॉर्मूला क्या होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, ठीक है। तो ई टू आपको निकालना है ना, कैलकुलेट करनी है, तो क्या कर सकते हो आप, लगा दो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये होता है फॉर्मूला, आपको पहले भी सिखाया गया है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू मालूम है, कितनी मालूम है भाई, यूनियन की वैल्यू है 2/3, ई वन की प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस इसका मतलब माइनस, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू नहीं मालूम है, वही तो फाइंड करना है, माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है ई टू। एटलीस्ट यहाँ से ई वन ई टू तो मिल जाएगा, 3 2/3 माइनस 1/2 करोगे, ठीक है अभी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ई वन की प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। उसके बाद क्या करोगे, ये वाले को इसमें माइनस करोगे तो एलसीएम आएगा, 3 में से 2 गया 6, तो 2 2 जा 4 माइनस 3, सॉरी 6 आएगा ना एलसीएम, एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 माइनस, ठीक है 2 से 2 3 6 3, ये बराबर। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू को कॉमन कर लो, ई टू कॉमन करते हो तो क्या बचने वाला, यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 1/2, और 1 में से आधा हाफ को माइनस करोगे तो हाफ ही आने वाला है, और ये 4 माइनस 3 कितना होता है हाफ, 1/6, 1/6 इक्वल 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, यहाँ से काटते 2 3 6 तो 1/3, 2 से काटोगे तो 1/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। आई बात समझ में सबको, ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट चेक कर लो, आओ फर्स्ट ऑप्शन से क्या कहता है कि ई टू की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट तो करेक्ट हो गया ना भाई, ऐसे निकल सकता है। तो अब ये तो पता चल गया कि अब ई टू तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, ठीक है अब ये करेक्ट है, तो चेक करो क्या ई वन बटा ई टू भी इक्वल होगा 1/2 के, ये भी चेक करनी है ना, एंड दोनों चीजें चेक करना है। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन ई टू बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन के बराबर होनी चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, अभी तो सिखाया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू, लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमको इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वो अपन को इक्वल करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, ये तो ऐसे भी बोल सकते हो ना भाई, ये तो स्टेटमेंट में पहले भी कराया था कि नहीं कराया था, कि E1 और E2 अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो E1 अपॉन E2 इक्वल होता है PE1 के, ये भी लगा सकते हो, तो दूसरा भी तो करेक्ट हो गया, E1 की वैल्यू कितनी है 1/2, मतलब ये भी कितना आएगा। अरे भैया आप लोग बोल रहे हो सर कहाँ से आया ये चीजें, ये जब मैं करा रहा था जिस टाइम पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहां पर बताया था अगर E2 E1 पर डिपेंड ना हो तो E1 अपॉन E2 का मतलब E1 ही होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन की वैल्यू अपने पास गिवन है 1/2 है, तो इसको वैल्यू तो सॉल्व करना इजी हो गया ना डायरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन तो बेटा करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट सेकंड भी करेक्ट हो गया, जब दोनों करेक्ट तो कौन सा करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए बेटा, कई बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है यहाँ पर, जबकि लिख सकते हो कि ई1 एंड ई2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, और जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है कि ये ऐसा बराबर होता है, तो आप इनका फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा मैं आप कैसे यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 अपॉन ई2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ई2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2,
और इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितनी गिवन है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। ई वन इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। बेटा ये आता कहाँ से, वही चीज बता रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू देख लो। और अभी यहाँ से काटोगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कटेगा, ये प्रोबेबिलिटी टू कटेगा, कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन आना मतलब उसकी वैल्यू 1/2 है, लगा दो। तो यही चीज तो बता रहा था, ये डिटेल में है, ये विथआउट डिटेल है, अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर लो। चलिए पांचवा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अ बैग कंटेन 7 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें 7 रेड कलर के बॉल है, 4 ब्लू बॉल्स हैं। आपको इनमें से कोई भी लिखा हुआ ना, 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉ, आपको उनमें से कोई 2 बॉल बाहर निकालने हैं। अब वो दोनों बॉल कैसे बोल रहा है, बिना रिप्लेसमेंट के, यानी कि जब फर्स्ट बॉल निकालते हो तो उसमें उसमें नहीं डालते हो। अगर उसमें बोल रहा है विथ, क्या लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट मतलब उसमें वापस रख देते हैं, अगर विथआउट रिप्लेसमेंट आता तब अलग हो जाता, यानी कि वो इफेक्ट वाला काम हो गया। अभी तो बोल रहा है रिप्लेस कर देना है ना, यानी कि निकालना है, देखना है, फिर वापस डाल देना है। कह रहा है क्वेश्चन, एक बैग है, ये बैग है, इसमें 7 कलर के रेड कलर के बॉल हैं और 4 जो हैं ब्लू बॉल हैं, इनमें से 2 गेंद पिक करनी है, 2 बॉल्स पिक करनी है। तो पहली बात तो एनएस कितना आएगा, यहीं से दिख गया आपको, दिख गया, समझ में आ जाना चाहिए कि भैया एनएस क्या होने वाला है। एनएस आपका ये होने वाला है कि टोटल 7 4 11 बॉल हैं, 11 11 में से कोई 2 चूज करना है, 11 में से 2 बॉल आ जाएगा, ये हो गया एनएस। उसके बाद क्या कहानी कह रही है, एक एक रिप्लेस बोल रहा है। अब बोल रहा है रिप्लेस करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बॉल्स कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब तो अलग अलग होता है ना, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग। तो इवन एक इवेंट मान लो, ठीक है, इवन वो इवेंट होगा जिसके अंदर में क्या बोल सकते हैं अपन, फर्स्ट बॉल जो है मान लो रेड निकल गई, ठीक है, जो फर्स्ट बॉल कैसे हो जाएगी, फर्स्ट इज रेड और सेकंड इज, सेकंड इज ब्लू, एक एक केस अलग अलग हो गया। भैया पहला मान लो रेड निकल गया, दूसरा क्या निकल जाए, ब्लू आ जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की वैल्यू कितनी होगी, ये बताओ, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड निकलने की, यहाँ फर्स्ट इज रेड सेकंड, तो रेड कितनी निकलेगा, 7 में से रेड ना, तो 7 7 मतलब 7 ही आ सकते हैं, तो 7 बटे क्या कर सकते हो, 7 अपॉन एनएस, एनएस कितना है, 11C2, ये आ जाएगा। हाँ अगर यहाँ 2 रेड होता तो यहाँ पर आप चाहो तो अलग से बस आ सकते हो, अदरवाइज आप 7C1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू मतलब यहाँ पर इनटू करना है, फिर सेकंड बॉल जो है कैसी होनी चाहिए, सेकंड बॉल जो है ब्लू होनी चाहिए, ब्लू कितनी होगी, 4 में से कोई 1 बॉल, उसके बाद नीचे तो 11C2 ही आने वाला है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा ये पहला केस हो गया, ई टू भी क्या ले लो, सेम सेम ऐसे इसी प्रकार सिमिलरली ई टू ले लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। ई टू क्या होगा, फर्स्ट क्या ले लो, फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकंड जो है वो रेड ले लो, एक ये भी तो डिफरेंट कलर आएगा। उसने कहा है क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो है डिफरेंट कलर को चूज करता है, यानी दोनों के दोनों डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो मान लो पहला बॉल आपका कैसा निकल गया रेड, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लू। और बोल रहा है क्वेश्चन विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब आपको ये जो है डाल देता है गेंद, मतलब ये जो है कोई चेंजेस नहीं होगी, अगर ये चीजें डालता नहीं तो यहाँ पर 11 के जगह 10 हो जाता फिर, बट वो तो क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं, बोल तो दिया है विथ रिप्लेसमेंट आपको वापस डाल देनी है। अच्छा ई टू क्या होगा, पहला बॉल कैसा हो जाए, ब्लू, ब्लू कितना निकलेगा, ये 4C1 अपॉन में 11C2 प्लस इनटू सेकेंड जो है रेड हो जाए, रेड होने का कितना निकलेगा, 7 7C1 अपॉन 11C2। उसके बाद ये निकल गया, ये प्रोबेबिलिटी निकल गई ई टू की प्रोबेबिलिटी, तो हमको बोला है दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो एक एक को जोड़ दो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोल सकते हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों को जोड़ दो तो क्या क्या मिल सकता है? दोनों तो सेम ही तो है, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों सेम मिलेगा, क्योंकि देखो 7C1 बस आगे पीछे है तो वही चीज, तो आगे पीछे तो इसको दो बार लिख सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम, चूंकि तो दो बार क्या लिख दो, 7C1 × 4C1 / 11C2 × 11C2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 7C1 मतलब 7/1 × 4/1, नीचे में इसका निकलेगा 11, 10/2 × 1 इसका निकलेगा 11 × 10/2 × 1। सॉल्व करोगे तो 2 × यही रहेगा, ये पलट जाएगा तो 7 7 × 4 7 चौक 28, 28/1 पलट जाएगा, ये 2 × 2 = 4, ऊपर नीचे में ये आ जाएगा 11 × 11 × 10 × 10। अब बाकी इसको कैंसिल आउट करनी है आपको, 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10, फिर 2 से काटोगे 2 × 5 = 10, ठीक है। और कुछ बच रहा है? नहीं ना, तो कितना है का, 28 × 2 कितना होता है, 56, 56 × कितना जगह, ये 121 × 25, ऑप्शन नहीं है क्या ऐसा कुछ? अच्छा एक चीज और, एक चीज और गलती की हम लोग, क्या गलती किए? ओके ठीक है, यहाँ पर जो है एक बॉल निकाल रहे हो ना, ये दो नहीं आएगा, एक ही आएगा, ये जो है निकाले, फर्स्ट बॉल इज रेड, रेड तो 11 में से 1 आएगा ना कोई, ये भी 11 में से 1 ही आएगा कोई, इसी वजह से जो है मिस्टेक हो गया, 11C1 11C1। फर्स्ट बॉल जो है टोटल 11 में से 1 बॉल निकाल रहे हो और 7 में से 1 निकाल रहे हो, एक एक बॉल चूज करनी है ना, यहाँ पर भी एक एक बॉल चूज करोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है हमने अलग अलग निकाल दिया ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, 7 अलग है वो अलग है, तो एनएस आपका क्या आएगा, एनएस जो है आपका 11C1, एक एक बॉल निकालना है, तो एक इसके लिए एक इसके लिए हमने अलग अलग, जब एक साथ करते तब वो 11C2 आता, हमने तो एक ही गेंद निकालनी है, तो एक गेंद निकालना है तो एक एक हो गया, दूसरा वाला सेकंड निकालोगे तो एक आएगा, तब के केस में क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो है 1-1 आने वाला है, और जब 1-1 आ जाता है तो सिंपली हो जाता है सॉल्व, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, 7 × 4 नीचे में 11 × 11 तो 7 चौक 28 × 2 56/121 आएगा। क्वेश्चन में दो बॉल है लेकिन वो बोल दिया ना विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब वापस डाल देना है, इतना एक एक करके निकालना, एक निकालो फिर वापस डाल दो, इसलिए विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, लिख दिया बस साथ में विथ रिप्लेसमेंट, अगर ये विथआउट रिप्लेसमेंट बोलता तो 2 होता, लेकिन उसने बोल दिया ना उसको विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि एक ही गेंद निकालनी है ना आपको, तो एक साथ दोनों नहीं निकालना है, एक गेंद निकालना है, देखना है, फिर उसको वापस उसी में रख के फिर दूसरी गेंद निकालनी है, तो एक एक करके निकालना है ना, इसका मतलब क्या है? देखो दो बॉल सा रैंडम डाउन लिखा तो है, लेकिन बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि वापस उसको उसी में रख देना है, तो एक गेंद निकालोगे पहले फिर उसको देखोगे जो भी है फिर उसको वापस रखोगे, तो एक ही गेंद एक्चुअल में निकाल रहे हो ना, तो एक एक गेंद निकाल रहे हो, तो 7 में से 1 ये जब रख दोगे तब फिर दूसरा चेक करोगे, तब ये दूसरा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑड्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये ऑड नंबर वाले नहीं है, ऑड्स लिखा रहता है और एक जगह प्रोबेबिलिटी लिखा रहता है, तो ये दोनों होते क्या है एक्चुअल में, ऑड क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इस टाइप से हो सकता है आ भी जाए, बट वैसे तो उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन टॉपिक हमको कराना जरूरी है, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर आपके काम आ जाए कि ऑड्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्या दोनों अलग है कि दोनों सेम है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कई बच्चों को लगता है कि ऑड्स मतलब कई बार पूछेगा ऐसा एग्जाम में कि नंबर ऑफ ऑड्स, मतलब वहां पर अपने को क्या लगेगा कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये ऑड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके जो फेवरेबल इवेंट होते हैं नंबर ऑफ, ये एक्चुअल में रेशियो होता है, ऑड्स इज अ रेशियो, रेशियो ऑफ क्या चीज का, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑड्स इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल
इवेंट्स टू नंबर ऑफ अनफेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट्स। कहानी समझ में आई? इसका मतलब ये जो है एक्चुअल में क्या है, तो ऑड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑड्स का मतलब क्या बोला जाएगा, ये जो ऑड्स की जो है इसका मतलब क्या होता है, ये ऑड्स जो है ये सिर्फ आएंगे फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, इन दोनों का क्या होता है, ये रेशियो होता है। जबकि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है। इनको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो ऑड्स हैं वो सक्सेस सक्सेस होने की जो होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सक्सेस और फेलर लिख लो ज्यादा अच्छा है। तो ऑड्स क्या होता है, सिर्फ सक्सेस बटा फेलर, ठीक है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो, ठीक है, ये होता है ऑड्स। तो यहाँ पर ऑड्स का मीनिंग यही होता है। अब तक जो पढ़े वो प्रोबेबिलिटी ही था। प्रोबेबिलिटी क्या था, होता है सक्सेस सक्सेस अपॉन सक्सेस प्लस प्लस फेलर, ये होता है ना। इसमें क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, जिस इवेंट की हैपनिंग होने की, इवेंट अपॉन हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग यानी अनहैपनिंग, दोनों का सम के बराबर होता था। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो प्रोबेबिलिटी अलग होता है और ऑड्स अलग होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में पहले सक्सेस होता है, नीचे में सक्सेस और जो फेलर दोनों का सम के इक्वल होता है, और ऑड्स में सिर्फ सक्सेस अपॉन फेलर लिखा जाता है। ये चीजें जो होती है ये ऑड्स होता है, वो प्रोबेबिलिटी होती है। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती है भाई, ठीक है। अब ऑड्स जो होते हैं दो टाइप के जनरली कैलकुलेट होंगे, तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट, दो टाइप के ऑड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे पूछ रहा क्वेश्चन ऑड्स इन अगेंस्ट, अगर बोले अगेंस्ट बताइए, तो अगेंस्ट में अपोजिट हो जाएगा, पहले फेलर वाले अपॉन में फिर सक्सेस होने वाले की प्रोबेबिलिटी, ये इन दोनों के रेशियो को हम ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट कहा जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, नंबर ऑफ क्या होता है फेवरेबल अपॉन में नंबर ऑफ अनफेवरेबल, है ना। मान लो एस के अंदर में कितने हैं एलिमेंट, एस के अंदर में एन है, तो फेवरेबल केस कितना होगा, मान लो फेवरेबल जो है इसमें से किसी के चॉइस होगी, फेवरेबल मान लो एम जो है आपके फेवर में आते हैं, तो अनफेवर कितना होगा, तो अनफेवरेबल में आने वाला है एन में से एम घटा दोगे, यही चीज हो जाती है। तो यहां पर आ जाएगा फेवरेबल में मान लो एम आएगा, तो यहां पर एन माइनस एम आ जाएगा। अगर हम सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे किससे, एन से, तो ये मैं डिवाइड किया यहाँ पर एन से, यहाँ पर भी एन से डिवाइड करूंगा तो कट के वन हो जाएगा, यहाँ पर एन से डिवाइड करूंगा तो एम बटा एन आ जाएगा। और अच्छे से देखो ये क्या है, एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी है एक ही, कैसे पता चल गया, एक ही प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये ए कोई इवेंट हो गया, तो ए कोई इवेंट हो गया, तो ये जो है क्या बनेगा, ए पी ए बन जाएगा, तो पी ए अपॉन वन माइनस पी ए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। और पी ए अपॉन वन माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या बन जाएगा, ये जो है क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन पी ए का बार बन जाएगा, क्लियर हुआ। ये चीजें यहाँ मतलब यहाँ पर पी ए अपॉन पी ए के ऊपर बार होता है, ठीक है, आ गया समझ में। सिमिलरली वैसे अनफेवर का भी निकाल सकते हो इसको अपोजिट करके, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा बस, तो वो ऊपर पी ए बार बन जाएगा, नीचे में पी ए बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन नंबर वन, जो पासे होते हैं डाइस होते हैं उसमें डॉट बने होते हैं, तो आपको चार डॉट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ऑड, वो भी क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी नहीं है, पूछ रहा फाइंड द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर थ्रोविंग अ डाइस टू गेट फोर डॉट्स। आपको यहाँ पर इवेंट दिख रहा है, इवेंट दे दिया गया है, आपको चार आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका ऑड्स निकालना है ऑड्स इन फेवर में, तो पहले फोर होने की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन तो है एकदम। क्या करना है इसमें, सबसे पहले फोर डॉट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो,
तो एस कितना होगा, एस के तो अंदर में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एनएस कितना है तो आप क्या जवाब दोगे? 6। ए कोई इवेंट है, ए कोई इवेंट ले लो, उस इवेंट में बोल रहे 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए के अंदर में सिर्फ 4 ही आएगा, एक ही बार आएगी। एनए कितना होगा बेटा? 4, यानी कि 1 हो गया। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी बताओ, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, 1/6। तो पी ए बार कितना होगा? 1 -1/6, यानी कि जो बचे हुए 5/6। ये बस 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 हो गया हो गया हो गया। उसके बाद क्या बोला है? ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या? ये बोलते डिवाइड कर दो, बस सिंपल ये है, हमेशा रेशियो में ही आएगा। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए के ऊपर बार। और ये कितना दिया हुआ है? 1। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/6, 5/6। तो 1/6 अपॉन 5/6, ये एक्चुअल में 6 कट के 1/5 आ जाएगा। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ, लिखा है ऑड्स इन फेवर किसी इवेंट ए के, एक्स को सॉल्विंग प्रॉब्लम मार्क क्या क्या दिया हुआ है? 4, 2, 3 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स के सॉल्व करने के जो ऑड्स इन फेवर है उसका दे दिया हुआ रेशियो इतना, और वाई वाले के लिए कितना दे दिया हुआ है? 2 to 6 दे दिया हुआ है। तो एक्स का वाई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको उसका यूज कर लो। क्या पहला? ऑड्स इन क्या लिखा? फेवर। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है बोलो भाई? ऑड्स इन फेवर का रेशियो कितना है? 4:3 दिया हुआ है, 4 to 3 दे दिया हुआ है। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवर आउटकम डिवाइड बाई नंबर ऑफ अनफेवर, ठीक है। मतलब फेवरेबल आउटकम कितना होता है? 4, और अनफेवर का कितना दिया हुआ है? 3। ये है 4/3 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, एक्स की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल, अभी तो सिखाया था, फेवरेबल अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? यहाँ आउटकम लिख लो, फेवरेबल आउटकम कितना है? 4 है। फेवरेबल कितना है? 4 है। अनफेवरेबल कितना होगा? 3। तो कितना हो गया यहाँ से? 4/7, ये ए की प्रोबेबिलिटी हो गई। एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/7। सिमिलरली आप वाई की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। 4:0 कितना है? 2:6 है। तो 2:6 मतलब कितना हो जाएगा? 2 और +6। किसका पूछ रहा है? सेम प्रॉब्लम वाई के लिए, अगेंस्ट के लिए बोल रहे। तो पहले क्या अगेंस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। अगेंस्ट के लिए क्या करोगे? 6 से 6 अपॉन करोगे, अपोजिट लिखा है ना अगेंस्ट। अगेंस्ट में क्या करना है? 6 से 6 अपॉन 2+6 कर दो, 8। बस सिंपल ही है। ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट का कितना दे दिया? 6/2 दिया हुआ है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/6+2, 6/8 कटेगा, 2 2 6 2 4 8। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की कितनी हो जाएगी? 3/4। बोलो। तो इस तरह से फेवरेबल और अनफेवरेबल का करा दिया, जो टॉपिक बचा हुआ था ये भी हो गया, ठीक है। अब फाइनली हमारे बेसिक प्रोबेबिलिटी खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। और वहां से भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आने के चांसेस हैं, और एक ठोक बेस थ्योरम के बेस पे, ठीक है। तो बेस थ्योरम जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा, बेस थ्योरम।